आदाब नमस्कार सत श्री अकाल हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे वर्ष मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं नया हिंदुस्तान। प्यारे वर्ष इस वक्त हम मौजूद हैं सियाना रोड नेशनल हाईवे 65 नंबर और ठीक हमारे ये पीछे बुलंदशहर का अति सुंदर जिसको हम कह सकते हैं बहुत शानदार सो ब्यूटीफुल बर्नी पैलेस है और मात्र 2 किलोमीटर दूरी सियाना बस अड्डे से और सियाना बस अड्डे से 2 मीटर कुल सियाना बस अड्डे से प्यारे वर्ष सियाना रोड पर आप देख सकते हैं रात बारिश हुई है, आज बारिश हुई है और दोनों साइड में आप देखें तो बिल्कुल जलमग्न वहाँ पे पानी भराव जल भराव हुआ हुआ है यहाँ पे। और आगे आपको हम दिखाएंगे प्यारे वर्ष बिल्कुल ठीक ब्लू हेवन फार्म के सामने अभी 1 घंटे पहले बिल्कुल सड़क भी नज़र नहीं आ रही थी और तमाम यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाता है और एक्सीडेंट लगातार जब भी बारिश होती है थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश में भी तमाम यहाँ पे जलमग्न हो जाता है क्योंकि दोनों साइड में यहाँ पर नाले नहीं हैं जल निकासी के लिए। और अभी जो सुनने में आ रहा है बीडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी इस पर जो है काम शुरू हो जाएगा। 100 करोड़ का जो प्रस्ताव शासन को बीडीए के द्वारा जो भेजा गया था जिसमें 49 करोड़ रुपये से सियाना बस अड्डे से इमलिया गांव तक चौड़ीकरण और डिवाइडर, इसके साथ साथ बाबनासीदा चौराहे से शिकारपुर रोड बाईपास बुलंदशहर सिटी शिकारपुर चौराहे से आगे चीलगढ़ तक ये चौड़ीकरण और बीच में डिवाइडर होगा इसके, तो इसलिए हम चाहेंगे प्यारे वर्ष और डीएम साहब के कम से कम तत्काल इस रोड पर बहुत सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा रोड पे ट्रैफिक रहता है, चलने वाली ये रोड है और यहाँ पर एक्सीडेंट भी सबसे ज़्यादा होते हैं। तो चौड़ीकरण का काम पहले चौराहे से शुरुआत हो जाए और उसके बाद में फिर यहाँ पर साथ के साथ ताकि जनता को राहत मिल सके और जो हैवी ट्रैफिक है उस पर कंट्रोल हो सके और सिटी पर जो दबाव है बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक का उस पर भी कटौती होगी और यकीनी तौर पर एक्सीडेंट जो हादसे होते हैं सड़क हादसे उस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लग पाएगा। आपको हम दिखाते हैं प्यारे वर्ष ये देखें और बिल्कुल हम कह सकते हैं इस वक्त 7 फिट की ये रोड बची है, दोनों साइड में इसमें पानी भरा हुआ है, जो हल्की बारिश हुई है आज, ज़्यादा बारिश नहीं हुई है प्यारे वर्ष यहाँ पर और हल्की बारिश में भी यहाँ पर चूंकि जलभराव हो जाता है दोनों साइड में यहाँ पर निकासी के लिए नाले नहीं है। तो देख आपको सिर्फ यहीं तक दिखाएंगे प्यारे वर्ष, ये देखें आप ये सामने संतोष एग्रो इक्विपमेंट्स संतोष ब्रदर्स ये कास्टिंग फैक्ट्री और ठीक सामने आप देख पा रहे हैं ये ब्लू हेवन फार्म मैरिज हॉल है। तो आपको सिर्फ दिखाने का मकसद ये डीएम साहब आप देखें और बीडीए के आला अधिकारी और वीसी आईएएस श्रीमती आईएएस श्रीमती अंकुल लाठर जी ये देखें आप तमाम यहाँ पर दिखा, ये देखें ये भी दिखा दीजिए। तो बिल्कुल जलमग्न की स्थिति हो जाती है और बहुत ज़्यादा बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 6 फिट की यहाँ पर सड़क बची है और बाकी दोनों साइड में जलमग्न पानी आप देख सकते हैं। तो अपने आप में बहुत ही दुखद और इस पर काम होना चाहिए जैसे ही चौड़ीकरण का इस पर तत्काल प्रभाव से और दोनों साइड में जो प्यारेवर्स आपको बताते चलें दोनों साइड में ये सामने ब्लू हेवन है मैरिज हॉल और दोनों साइड में प्यारेवर्स आपको बताते चलें कि जो पेड़ हैं और ये वन विभाग के द्वारा लगाए गए थे कुछ 10 साल पहले, कुछ 15 साल पहले, कुछ 20 साल पहले इनका आंकलन कर लिया गया है, इनकी मोटाई और पेड़ों की संख्या और उन पर ठीक येलो मार्कर से निशान भी लगा दिए। ये सामने मार्केट ब्लू हेवन के सामने ये पापड़ी का पेड़ है, इस पर 143 मार्किंग किया हुआ है बीडीए के द्वारा। तो यकीनी तौर पर हमें भी ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी काम शुरू होगा लेकिन पुनः हम एक बार आशा और उम्मीद करेंगे बीडीए से आला अधिकारी कि इस पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लें क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। आप देख सकते हैं
और इधर भी दिखाने पीछे ये देखिए आप, तो अपने आप में बहुत ही ख़तरनाक स्थिति में है ये रोड, सयाना रोड NH-65, और यहाँ पर लगातार प्रॉब्लम होती है। जी नमस्कार सर, स्वागत है सर, कहाँ से आ रहे हैं आप? सर हम सयाना से आ रहे हैं। स्वागत है अभिनंदन है सर। इस पर चौड़ीकरण के बहुत जल्दी काम शुरू होने जा रहा है, लेकिन चूंकि ज़रा सी बारिश होती है और तमाम यहाँ पर एक्सीडेंट होने शुरू हो जाते हैं, जाम लगना शुरू हो जाता है, सड़क नज़र नहीं आती है, तो क्या कहना चाहेंगे कि चौड़ीकरण पहले बुलंदशहर में जो बाईपास है उससे पहले इसका काम हो जाए, ट्रैफिक इस पर ज़्यादा है? जी बिल्कुल होना चाहिए जी, ऐसा होना चाहिए। महत्वपूर्ण कार्य इसी का है, सयाना रोड, क्योंकि ये तीन उसको कनेक्ट करती है, बीबी नगर, सयाना और गढ़ मुक्तेश्वर को कनेक्ट करती है, तो इसका चौड़ीकरण होना बहुत ही अति आवश्यक है। और मैं तो कहता हूँ चौड़ीकरण के साथ साथ इसमें बीच में डिवाइडर भी हो, ताकि एक दूसरे से वाहन ना टकराए, एक्सीडेंट की घटना ना घटे। ओके सर, ओके ठीक है। तो कितनी अच्छी बात बताई है, सयाना के हैं, किसान परिवार से हैं और सयाने से ही आ रहे हैं कि बीबी नगर अगौता और इसके साथ साथ गढ़ मुक्तेश्वर को ये सीधा नेशनल हाईवे 65 नंबर जोड़ता है, इस पर दबाव बहुत ज़्यादा है जो ट्रैफिक का है, दो पहिया वाहन और इसके साथ साथ चार पहिया वाहन, इसके साथ साथ बड़ी तादाद में यहाँ से हैवी ट्रैफिक निकलता है, हैवी लोडी, जिसमें कि 16 टायरा 18 टायरा और ट्रेलर वगैरह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से यही गुहार लगाई है कि जल्दी काम हो और गुणवत्ता के साथ में काम हो। ये देख सकते हैं आप बिल्कुल जलमग्न हुआ हुआ तालाब की शक्ल, ये सयाना रोड NH-65, सामने बर्नी पैलेस और उसके आगे रॉयल मैरिज हॉल और सामने ये ब्लू हेवन फार्म है प्यारवर्स, इधर दिखा सकते हैं आप तमाम, ये देखें तो मुश्किल है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर कुछ युवा हैं, इधर आ जाएं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद। अच्छा, आप मेरे हम नाम है। अच्छा जाहिद मियां, हाँ जी, आप ही की शॉप के लिए यहाँ से बहुत दिक्कत हो रही है निकलने में। मैकेनिक है, ऑटो मैकेनिक है, ऑटो मैकेनिक है। अच्छा, पार्ट वगैरह कहना चाहेंगे? यहाँ ये सड़क बनी जाए, यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है आने जाने, चौड़ी चौड़ी, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, गड्ढे हो रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ था, पलटरी पलट गई थी परसों भी, और बड़ी गाड़ी भी, बड़ी गाड़ी भी, और ये पानी इतना ज्यादा भर जाता है, पब्लिक को निकलने में परेशानी होती है निकलने के लिए। ये देखें देखें बिल्कुल, ये देखिए बहुत ओवरलोड चलते हैं वाहन, लेकिन एक दूसरे बस खतरा हो जाता है बचने का भी, छोटा पैदल चलने वाले तो आदमी चल ही नहीं सकता, अगर चौड़ा हुआ हो जाए रोड तो थोड़ी समस्या हल हो जाएगी, और यहाँ पर ट्रैफिक स्लो हो जाता है, दिक्कत हो रही है, ये चौड़ी होनी चाहिए। पहले सड़क ही नजर नहीं आ रही थी जाहिद मियां, एक घंटे पहले से यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था, पैदल चलने वाले बहुत परेशान हो रहे थे। हाँ, इसको जल्दी से इससे जल्दी से जल्दी लगाए चौड़ी कराने की। ये ओके चले, थैंक यू सो मच। देखिए ऑटो मैकेनिक है यहाँ पर, और सामने ये मैरिज हॉल जो ब्लू हेवन, इनके सामने इनका वर्कशॉप है, बहुत संतोषजनक काम करते हैं, निष्ठापूर्वक। थैंक यू सो मच जाहिद मियां, थैंक यू। ये देखें पैरोस, आपको और दिखा देते हैं, यहाँ पर बिल्कुल पानी पानी, और ये देखें आप, तो यहाँ पर आगे आ जाएं आप, आगे आ जाएं, तो देख सकते हैं पैरोस, और इधर यहाँ पर ये देखें, देखें सड़क पे चलने के लिए नहीं है, तो सड़क पे ही आगे जो ड्राई ड्राई रोड है वहाँ पे, चूंकि इधर पानी भरा हुआ है, तो हम आशा उम्मीद करेंगे कि डीएम साहब इस पर तत्काल एक्शन लेंगे, और तमाम ज़िले के सबसे ज़्यादा रूरल ग्रामीण क्षेत्र इसी रोड से कनेक्ट होता है प्यारेवर्स, हम आपको बताते चलें, और इसके साथ साथ जो श्रद्धालु हैं लगातार 24 घंटे और उनके वाहन भी गढ़मुक्तेश्वर, बहुत बड़ी ब्रिज घाट, बहुत बड़ी तादाद में उनका आवागमन होता है रहता है। ये देखें पैरिवर्स, तो इससे पहले पैरिवर्स जो बारिश हुई थी तब भी हमने अपडेट किया था ग्राउंड जीरो से, ठीक इसी पॉइंट से, ये सामने ब्लू हेवन फार्म है और ठीक यहीं पर ज़्यादा, क्योंकि ये सड़क भी यहाँ पर नीची है और दोनों साइड ऊंची है, जो दोनों किनारे हैं सड़क के वो वहाँ पर कोई ड्रेनेज के लिए कोई नाला या नाली नहीं है, तो अगर यहाँ पर चौड़ीकरण हो जाएगा तो कम से कम राहत मिलेगी, और बीच में डिवाइडर हो जाए तो सुचारू रूप से आवागमन रहेगा, एक्सीडेंट पर लगाम लग पाएगी, इसके साथ साथ जो एक्सीडेंट भी नहीं हो पाएगा और ट्रैफिक जाम की
स्थिति भी नहीं बन पाएगी, उस पर भी विराम लगेगा। तो प्यारे बस ये था आज का अपडेट, आप देख सकते हैं और पूरी कोशिश होती है ग्राउंड जीरो से प्यारे बस आप पूरी कोशिश होती है प्यारे बस ग्राउंड जीरो से आपके समक्ष हम रख सकें जनहित के महत्वाकांक्षी बिंदुओं पर, घटनास्थल से हम आपको दिखा सकें, ताकि समय रहते प्रशासन और शासन उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जनता को राहत देने का काम कर सकें। तो ये था आज का अपडेट प्यारे व्यूअर्स, पुनः एक बार आपकी मोहब्बत प्रेम स्नेह को, आपके जज्बे को सलाम। यहाँ तक आपकी मोहब्बत से पहुँचे हैं, आपकी सपोर्ट से पहुँचे हैं, इसी तरीके से आपकी सपोर्ट की दरकार है हमें, और हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, पूरी कोशिश करते हैं प्यारे व्यूअर्स, हर मुकाम से हर मौके पर हम आपके बीच सच्चाई का दामन पकड़कर धरातल स्तर से दिखा सकें, घटना स्थल से ग्राउंड जीरो से। तो आप लोगों को पुनः बहुत बहुत शुक्रिया, आपका पुनः एक बार शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको तहे दिल से सैल्यूट। अपनी इनायत और करम नवाजी मेहरबानी इसी तरीके से देने की जहमत फरमाएं, और हम आपके शुक्रगुजार हैं और आगे भी शुक्रगुजार रहेंगे। लिहाजा प्यारे बस अपना ख्याल रखिएगा, और कीमती वक्त निकाल कर आप वीडियो देखते हैं, इसकी भी हमें बहुत ज़्यादा कदर है, हम फ़ख्र करते हैं आप अपने प्यारे दर्शकों पर, अपने व्यूअर्स पर, अपने प्यारे व्यूअर्स पर। तो आज का अपडेट यहीं पर आपसे विदा लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। हिंदुस्तान जिंदाबाद।